आज तो पहले बार स्कूल देख रहे हो ना, आपका स्कूल आप पहले बार देख रहे हो। क्या आप नर्सरी अटेंड किया है आपने? नहीं, क्यों नहीं किया? ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो आपको सभी को पता ही होगा, तो कोरोना वायरस की वजह से हम स्कूल भी नहीं जा रहे हैं ना, घर पे ही बैठे हुए हैं और टीचर सबको घर पे ही बैठ के पढ़ाई करवाना सिखा रही है ना। अब स्कूल को नहीं आ रहे हो तो आज हम हमारा एलकेजी का न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। ओके, पहले हम एक्टिविटी करेंगे। सब बहुत सारे एक्टिविटीज़ है एलकेजी में। ओके, हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ करेंगे, बहुत सारे पढ़ाई करेंगे, लेकिन विथ फन। ओके, विथ फन विल डू फन लर्निंग। ओके, तो आज आपको मुझे ये बताना है कि क्या आपको लाइन्स पता है? क्या आपको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब लाइन्स पता है? अरे नहीं, हाँ आप तो स्कूल ही नहीं गए ना कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, तो आज मैं आपको ये सब सारे लाइन्स पहले बताऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइन्स। ओके, सो लाइन्स देखेंगे। ओके, तो देखिए पहले आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है, क्योंकि आपको तो पेंसिल वगैरह होल्ड करना आता है नहीं ना, नहीं आता होगा, तो सिर्फ आप देखिए या फिर मम्मा को बोलिए कि जो मैंने बताया है, जो मैं लाइन्स अभी बताऊंगी उसके, वो लाइन्स मम्मा को बुक में ड्रॉ करके भी आपको दे सकती है मम्मा, उसके ऊपर आप प्रेजेंट भी कर सकते हो, है ना, अगर आपको नहीं आता है तो। तो ये क्या है? ये है स्टैंडिंग लाइन। देखो ऐसे स्ट्रेट खड़ी है ना ये, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन। ओके, ये स्टैंडिंग लाइन जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट आती है। ओके, आफ्टर स्टैंडिंग लाइन देयर इज अ स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, हम सोते हुए ना ऐसे ऐसे सोते हो, आप बेड पे सोते हो तो ऐसे ये सोते हो ना, वैसे ही ये क्या है? स्लीपिंग लाइन। ओके, ये देखो सोई है ना ये बेड के ऊपर, है ना, ये है स्लीपिंग लाइन। ओके, तो आज मैं आपको सिर्फ दो ही लाइन्स बताऊंगी, एक है स्टैंडिंग लाइन और एक है स्लीपिंग लाइन। इसके ऊपर भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं। मम्मा को बोलो क्लाउड ड्रॉ करने के लिए। ओके, ये है क्लाउड। ओके, ये क्या है? क्लाउड। मम्मा को बोलो नीचे ऐसे डॉट्स देने के लिए। देखो बारिश आ रही है, इट्स रेनिंग नाउ। ओके, क्लाउड में से बारिश आ रही है, ऐसे मम्मा को डॉट्स लेने के लिए देने के लिए बोलो बुक के ऊपर। ओके, आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्रेस ऑन दिस डॉट्स लाइक दिस। देखो बन गई ना रेन, बन गया स्टैंडिंग लाइन। रेन का क्या हो गया? स्टैंडिंग लाइन हो गया। ऐसे आपको उसके ऊपर ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है, जो भी डॉट्स है वो ट्रेस करने हैं। ओके, एंड देन कलर दिस क्लाउड विद द ब्लू कलर। ओके, ये देखो मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना है ना ब्लू कलर का ड्रेस, ये ब्लू कलर से आपको क्या करना है? क्लाउड कलर करना है। ये हो गई स्टैंडिंग लाइन वाली एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, हम शेप्स की एक्टिविटी करेंगे। ओके, ये है शेप्स, क्या बोलते हैं इसे? शेप्स। ये है राउंड, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ये कौन सा शेप है? सर्कल। ऐसे राउंड आपको हाथ से घुमाओ, ऐसे करो फिंगर पॉइंट करो और ऐसे घुमाओ, हाँ ये बन गया सर्कल शेप। राउंड वाला दिखाई दे रहा है ना, ऐसे राउंड बनाओ हाथ से, ये बन गया सर्कल शेप। और ये दूसरा जो ग्रीन वाला है वो है ट्रायंगल शेप। क्या है? ट्रायंगल शेप। आपको सैंडविच पता है ना, सैंडविच का शेप ट्रायंगल रहता है ना, सैंडविच पसंद है आपको खाने के लिए, वैसे ही है ये ट्रायंगल शेप, ऐसे ट्रायंगल शेप। ओके, अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी करेंगे। आपको क्या करना है? मम्मा को बोलो बुक में ऐसे शेप्स पेपर के कट करके एक बुक में। ओके, तो ये जो शेप्स है उसके ऊपर हम एक्टिविटी करेंगे। मुझे पता है कि आपको शेप्स तो ड्रॉ करने नहीं आते, तो आप क्या कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो अच्छे अच्छे लाइंस हैं यहाँ पे, ये ड्रॉ, मम्मा की हेल्प ले लो, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मम्मा की हेल्प ले लो। ओके, मम्मा को बोलो कि आपके रफ बुक में ऐसे शेप्स या फिर ऐसे लाइंस ड्रॉ करके देने के लिए। ओके, तो फिर ये ड्रॉ करने के बाद आपको करना है, आपको अभी मम्मा की हेल्प नहीं लेनी है, आपको खुद से करना है। ओके,
अब हम क्या करेंगे, बिंदी एक्टिविटी। आपको देख, आपकी मम्मा को देखा है ना आपने ऐसे ऐसे वाली बिंदी लगाते हुए, इस बिंदी में भी बहुत सारे शेप्स रहते हैं। ओके, हाफ सर्कल रहता है, फुल सर्कल रहता है, ओके, मून शेप रहता है, बहुत सारे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी शेप वाली बिंदी पसंद है वो बिंदी आपको लेनी है। ओके, बिंदी को तो ऑलरेडी स्टिक रहता है, अभी मेरे पास बिंदी तो नहीं है आपको दिखाने के लिए, तो फिर मैं आपसे थर्माकोल के बॉल्स यूज कर रही हूँ। ओके, बिंदी को तो ऑलरेडी स्टिक रहता ही, आपको क्या करना है, उस पैकेट से बिंदी सिर्फ निकालनी है और ऐसे स्टिक करनी है। ओके, बिंदी निकाल के ऐसे स्टिक करो आप, जो कुछ भी आपने ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ की है या शेप ड्रॉ किया है, ओके, उसके ऊपर सिर्फ आपको ऐसे स्टिक करना है, लेकिन अच्छे से। हाँ, ये जो सारे कॉर्नर्स है ना उसके ऊपर अच्छे से आपको शेप स्टिक करना है। ओके, अगर आप ध्यान देके अच्छे से ऐसे साइड में जब आप स्टिक करते हो ना, तब आपको क्या होता है, आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और आपको अच्छे से काम करने की आदत भी पड़ती है। ओके, थिंग्स आपको मैसी नहीं करनी है। हाँ, अच्छे से ये जो साइड वाला कॉर्नर है ना उसके ऊपर ऐसे धीरे से करो आप, कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, धीरे से कर सकते हो, सिर्फ आपको अच्छे से, देखो यहाँ पे जैसे मैंने स्टिक किया है वैसे ही आपको स्टिक करना है। ओके, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन, यू विल इम्प्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ हैंड एंड आई कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जो हाथ और आई का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो भी अच्छे से इम्प्रूव होता है। ओके, तो ऐसे करना है। है ना मजेदार, क्या आपको देखने में मजा आ रहा है, जब आप करोगे ना तब आपको बहुत मजा आएगा। ओके, डू दिस एक्टिविटी विथ फन। ऐसे आपको जो साइड्स है उसके ऊपर अच्छे से स्टिक करना है। देखो दिखाई दे रहा है ना कलरफुल, ये जो हमारा सर्कल शेप है वो पहले सिर्फ रेड कलर का था, है ना, इट वॉज ओनली विथ रेड कलर, बट नाउ इट्स लुकिंग कलरफुल आफ्टर स्टिकिंग दिस थर्माकोल बॉल्स, इट्स लुकिंग वेरी कलरफुल। देखो जब आप बिंदी पेस्ट करोगे उस टाइम भी बहुत कलरफुल दिखेगा। ओके, ऐसे आपको साइड में एक साइड के ऊपर ही करना है, बीच में नहीं करना है। ओके, देखो हो गया ना पूरा, अभी देखो सर्कल कैसे कलरफुल लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये है बिंदी स्टिकिंग एक्टिविटी। ओके, क्या है स्टिकिंग एक्टिविटी, स्टिक करना मतलब जो भी चीज हम लेते हैं वो चिपकानी है उस ऊपर। ओके, सो डू दिस एक्टिविटी विथ योर मम्मा'स हेल्प। ओके, थैंक यू।